ठीक है, अगला टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक पेज, कवर पेज और ब्रेक पेज, तीनों का मतलब समझेंगे, तीनों का काम समझेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज हम लोग को पता है, ब्रेक पेज। ठीक है, कि जब भी ब्रेक पेज करेंगे तो कर्सर क्या होगा, मूव करेगा नेक्स्ट पेज पे। ठीक है ना, यही काम होता है ना। अच्छा, कर्सर के बाद अगर कुछ टेक्स्ट है या ऑब्जेक्ट है तो वो भी उसके साथ साथ मूव कर जाएगा। क्लियर हो गया? और जो एरिया होगा वो खाली हो जाएगा, फर्स्ट पेज का जो एरिया होगा वो खाली हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मान लीजिए, ऐसा सपोज करिए ओके, मेरे पास दो पेज है। ठीक है, अब हमको इन दोनों पेज के बीच में, इन दोनों पेज के बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए। ठीक है, अभी क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम इसको ब्रेक पेज करें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां से ब्रेक पेज, कर्सर मेरा यहां पे है, अगर हम ब्रेक पेज करते हैं तो क्या हुआ, तीसरा नंबर पेज मिला, लेकिन अब आप इसमें कुछ काम नहीं कर सकते, जैसी करने की कोशिश करोगे वो वापिस आ जाएगा। ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि इसको छोड़ के अगला में, करेक्ट? बात समझ में आ रही है? दिस इज ब्रेक पेज, आपने इसको छोड़ दिया, लेकिन हमको तो ये छोड़ना नहीं है ना, हमको तो इसमें काम करना है जो सेकंड पेज हम ले रहे हैं। बोलिए फिर से। नहीं, यहां पे कर्सर है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, देखो अगर हम यहां से ब्रेक कर रहे हैं तो क्या हुआ कि आपने इसको छोड़ दिया ना, मतलब इसमें आपको अब काम नहीं करना है, करेक्ट? इसलिए ना आपने इसको छोड़ा। लेकिन अगर हमको काम करना होगा या काम करना पड़े तो ब्रेक पेज यूज नहीं कर पाएंगे हम। ब्रेक पेज का मतलब कि छोड़ देना, लेकिन हमको तो काम करना है ना, हमको तो ब्लैंक चाहिए जिसमें हम काम कर सके। तो मेरे पास एक पेज और मेरे पास दूसरा पेज, और इन दोनों पेज के बीच में हमको एक ब्लैंक पेज चाहिए वर्किंग के लिए, करेक्ट? हाँ, तो अब हम यहां पे कर्सर रखे और यहां से कहते हैं ब्लैंक पेज। तो अब मेरे, सॉरी, दो दो आ गया, फिर से आते हैं। तो अब मेरे पास एक ब्लैंक पेज आएगा जिसमें हम काम कर सकते हैं। यह कहानी समझ में आ गई आपको कि अगर आप काम कर रहे हो, ब्लैंक पेज पे काम हो गया। मान लीजिए ये क्यों, अब देखिए, सपोज करिए कि ये एक टॉपिक था, एक आर्टिकल था, एक स्टोरी थी जो यहां से चल के यहां तक आई। ठीक है, बाद में क्या पता चला कि नहीं, बीच का स्टोरी तो आपने लिखा ही नहीं, आपने स्टार्टिंग लिख दिया, एंडिंग लिख दिया, बीच का नहीं लिखा। तो अभी बीच का लिखने के लिए आपको बीच में पेज चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज ना कि ब्रेक पेज। ब्रेक पेज का मतलब उस पेज को छोड़ो और अगले पेज पे जाओ, करेक्ट? ब्लैंक पेज क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अच्छा, अब एक और काम आपको हम दिखाते हैं। ऐसा होगा ना कि हम कोई काम कर रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरा कोई टॉपिक छूट गया हो, तो हमको उसको बीच में डालना पड़े। ठीक है, अच्छा, याद रहे कि जब भी हम ब्लैंक पेज लेंगे तो पेज नंबर मेरा अपडेट हो जाएगा। देखिए, इसको भी समझ लीजिए, पुटर ऑन कर लिया, यहां से बॉटम ऑफ द पेज हमने नंबर दे दिया, आ गया नहीं आया, टॉप में आ गया, हमको बॉटम में चाहिए। चलिए, टॉप में आया बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हटा देते हैं इसको यहां से। थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे ये दिखे। ठीक है, ओके।
अब मेरा ये वन पेज है, ये टू पेज है। अब अगर हम यहाँ पे ब्लैंक पेज लेते हैं तो क्या मेरा नंबर अपडेट होगा या नहीं, देखते हैं। तो अब देखिए नंबर अपडेट हो गया, ये वन, ये टू, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो तीसरे नंबर पेज पे चला गया। क्लियर हो गई कहानी? यानी कि कभी भी अगर हम बीच में ब्लैंक पेज लेते हैं तो हमको नंबर का कोई इशू नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ओके, ठीक। इसी तरह से एक और पेज का फंक्शन हमको मिलता है और वो होता है कवर पेज। अब आप देखिए, ये इस बुक का कवर पेज है, थोड़ा छोटा करते हैं जिससे आपको दिखे, ठीक है। अब इस कवर पेज में क्या है, बुक का नाम, उसका एडिशन और किसने लिखा, ऑथर का नाम, करेक्ट। बाकी चीजें भी दी गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फिर अबाउट द ऑथर, ठीक है, नॉलेजमेंट, ये सारी चीजें। तो हर बुक के लिए एक कवर होता है। यहां पर भी आपको एमएस वर्ड कवर पेज दे रहा है रेडीमेड, ठीक है। आपको क्या करना है, आप पहले पेज पे चले जाओ, या नहीं भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो हमेशा कवर पेज पहले में ही आता है। मेरा कर्सर अभी सेकंड पेज पे, हम चले गए कवर पेज पे, तो यहां देखिए बहुत सारे डिजाइन आपको मिलेंगे कवर पेज के लिए, है नहीं है, है? अब आपकी मर्जी, आप जो डिजाइन लेना चाहते हो आप ले लो। जैसे हम कोई पिक्चर वाला ही लेते हैं तो ज्यादा बेटर है, जिससे आपको समझना। चलिए ये वाला डिजाइन हमने सेलेक्ट किया, तो मेरा कर्सर कहां था, सेकंड पेज पे, लेकिन कवर पेज कहां आया, फर्स्ट पेज पे। तो कवर पेज ऑलवेज आपको फर्स्ट, कवर पेज ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे ही होता है। क्लियर हो गया? अब ये मेरा कवर पेज आ गया। अब इस कवर पेज पे हम कुछ एडिटिंग कर लेते हैं। पहला एडिटिंग क्या है, ईयर कौन सा है, तो मान के चलिए मेरा ईयर है अभी टुडे कर देते हैं, तो सिंपल 2018 आ गया, क्योंकि ये सिस्टम का डेट आ रहा है, जो यहां से सिस्टम का डेट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट का टाइटल है, यहां पे हम टाइटल दे देते हैं इसको, हमारा टाइटल है क्या टाइटल है, सी प्रो लेटर सी, यही है ना। तो आपको जो डॉक्यूमेंट होगा आप उसका टाइटल दे देंगे, लेट अस सी प्रोग्रामिंग, क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद यहां पे देखिए एक पिक्चर है, हम चाहे तो इस पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, पिक्चर पे क्लिक किया, इसके फॉर्मेट में गए, ठीक है। यहां पे देखिए एक ऑप्शन है चेंज पिक्चर का, चेंज पिक्चर में चले गए और यहां से हम इस पिक्चर को चेंज कर देते हैं, कोई दूसरा लगा लेते हैं, नहीं मजा आया ये, पिक्चर चेंज हो गया। अच्छा, नीचे आते हैं, अब यहां पे देखिए ये ऑथर का नाम है ना, ये क्या है, कंपनी का नाम, और ये क्या है, डेट। तो इन चीजों को भी हम चेंज कर सकते हैं। ये जो आपका कलर दिख रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट का कलर, ये वाला ग्रीन, ठीक है, इसके कलर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो एक रेडीमेड पैटर्न आपको मिल गया, आप उसमें कवर पेज में जो जो चीजें चेंज करना चाहते हो आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर हो गई कहानी? याद रहे कि कवर पेज पे आपका पेज नंबर नहीं आएगा। क्लियर है? तो डिफरेंस समझ में आ गया, किस किस पेज के बीच में, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कोई इशू, कंप्लीट, ये अच्छे से क्लियर हो गया? फिर से, अभी क्या है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी बुक बनाओगे तो निश्चित तौर पे उसके अंदर एक कवर पेज होगा, ठीक है। तो अभी आप कवर पेज बनाओ, उससे बेटर है कि आप उसका रेडीमेड ले लो, ठीक है। तो कवर पेज आप जब भी लोगे तो वो फर्स्ट में आएगा, आपका कर्सर कहीं पर भी हो उससे मतलब नहीं, कवर पेज ऑलवेज पहला पेज होगा, ओके। आप चले जाओ कवर पेज में, यहां पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न आपको मिलेंगे, डिजाइन मिलेगी, आप कोई भी डिजाइन पे क्लिक कर लो, वो डिजाइन फील हो गया, ठीक है। अभी देखिए इसमें और उसमें क्या फर्क आया, कि इसमें आ गया नाम,
टाइटल भी आ गया और ये देखिए कुछ डिस्क्रिप्शन भी आ गया जो हमको डिस्क्रिप्शन चाहिए। यहां पे जब हम आएंगे तो आप देखो ये कुछ डिस्क्रिप्शन आ रहा है ना अबाउट द ऑथर, तो ये लिखना था हमको तो यहां पे तो हम लिख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, आप यहां से टाइटल चेंज कर लो, ये ऑथर का नाम है, ये डेट है, ये इसका सब टाइटल है, फिफ्थ एडिशन या फोर्थ एडिशन, ये उसका सब टाइटल हुआ। मतलब लेट अस सी प्रोग्रामिंग बहुत सारे बुक है लेकिन उसका एडिशन है 1, 2, 3, 4 ऐसा करके। तो ये एक पैटर्न हुआ, इसके कलर वलर चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ कवर पेज, कवर पेज में आपको मल्टीपल डिजाइन मिल जाएंगे, जो डिजाइन आपको अच्छा लगे वो आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया, ये यूज कर लो, वो यूज कर लो, जो मर्जी यूज कर लो, ओके क्लियर हो गई बात। अभी कोई दिक्कत नैंसी? हाँ बना भी सकते, फर्स्ट पेज में आप कवर पेज बना सकते हो लेकिन बनाने में आपका टाइम जाएगा। आप चाहते हो कि यहाँ पे 8 ही है, फॉर एग्जाम्पल 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 है, अब आप 15 यूज कर लोगे तो फिर आपको 16 में नया चाहिए, तो आप इसके कलर वलर में चेंजेस कर लो तो एक नया लुक में आ जाएगा, उसके स्टाइल में चेंजेस कर दो, हाँ डिजाइन में चेंज कर लो, पिक्चर में चेंज कर लो तो एक नया लुक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बनाने में आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे बेटर है कि ये चीजें बनी हुई है ना, सब कुछ सेटअप किया हुआ है, आपको सिंपल क्या करना है, यूज करना है। क्लियर हो गया यहां तक? कवर पे समझ में आ गया?